हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। भाई मुझे देख रहे होगे, आप लोग हॉस्पिटल में हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे भाई हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैं एडमिट हुआ था दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल, जो अभी ओपन हुआ है द्वारका सेक्टर टेन में अभी ओपन हुआ है। और आप लोग देख सकते हो भाई, पीछे भी दवाइयाँ रखी हुई है और भाई व्यू चेक करो भाई, यहाँ से पीछे का व्यू कैसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो अब जाके थोड़ा हेडेक ठीक हुआ है मेरा, और कल या परसों तक डिस्चार्ज भी कर देंगे। ना ही ब्लॉग में पोस्ट कर पा रहा था, ना ही ब्लॉग में शूट कर पा रहा था, और मैं काफ़ी ब्लॉग शूट कर चुका हूँ लेकिन वो एडिटिंग करना अभी बाकी है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं एडिट कर पा रहा हूँ, ना ही पोस्ट कर पा रहा हूँ। अभी मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 10 से 11 दिन हो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। भाई जैसे कि आप सभी को पता ही है, मुझे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था और हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था और बीपी हाई हो गई थी भाई, इसके कारण मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। और वो वाला ब्लॉग अभी मैंने 8 तारीख को ड्रॉप किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो मैं एडिट कर नहीं पाया था, क्योंकि मैं इस कारण एडिट कर नहीं पाया भाई, क्योंकि मैं फिर से एडमिट हो गया था दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन मैक्स हॉस्पिटल में 2 नवंबर को एडमिट हुआ था और अभी डिस्चार्ज हुआ हूँ भाई 7 नवंबर को। और वो वाला ब्लॉग जो पहले का ब्लॉग था, जो दूसरे हॉस्पिटल का ब्लॉग था, वो ब्लॉग तो मैंने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन ये वाला ब्लॉग मैंने ड्रॉप नहीं किया था इस कारण, क्योंकि मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था और डॉक्टर ने फ़ोन चलाने के लिए मना किया था, इसलिए मैं अब फ़ोन चला रहा हूँ। आज है 9 तारीख और जब तक ये ब्लॉग जाएगा शायद 10 तारीख हो जाएगी या फिर 11 तारीख, क्योंकि मैं एडिट कर नहीं पा रहा हूँ। ये ब्लॉग जो एडिट कर रहे हैं वो मेरे भाई कर रहे हैं, मनीष भैया, और जो कि मैं अभी रेगुलर हो नहीं पा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सोच रहा हूँ कि भाई रेगुलर अपने चैनल पर रेगुलर आऊँ, ताकि आप सभी लोगों को दिखूँ कि एटलीस्ट मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे करके, तो बस चैनल पे बने रहना गाइस, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। 2 नवंबर को मेरे साथ ऐसा कुछ सीन हो गया था कि मेरे को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, इस कारण क्योंकि मेरे बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी, 150-200 प्लस जा रही थी इस कारण, और हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था इस कारण मेरे को एडमिट होना पड़ा, और फीवर भी हो रहा था मेरे को, इस कारण मेरे को एडमिट होना पड़ा दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में। ये जो साइड वाली नसें थी इसमें स्वेलिंग आ जा रही थी, ये फूल जा रही थी पूरा, तो इसके कारण भाई बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था मुझे, और बीपी हाई हो रही थी और फीवर भी नहीं जा रहा था, इसके कारण मैं हॉस्पिटल में एडमिट था 5 से 6 दिन। मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, ना ही एडिट कर पाया था। तो अभी मैं आप लोगों को फाइल दिखा देता हूँ अपनी, क्या क्या चीज़ें रिपोर्टें आई थी, जो मेरा ब्रेन का भी टेस्ट हुआ था, इको टेस्ट हुआ था ऑन एंड बहुत सारे टेस्ट हुए थे मेरे बॉडी के, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आई थी, तो आप लोगों को अभी दिखा देते हैं गाइस, ठीक है। और चैनल पे बने रहना, और जितनी रिपोर्टें आई हैं सब कुछ मेरे पास है, और अभी आपको दिखा देता हूँ भाई। 2 नवंबर को एडमिट हुआ था और डिस्चार्ज कब हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ। और भाई डिस्चार्ज हुआ था 7 नवंबर 2024 11 बजे डिस्चार्ज हुआ था भाई। तो ये चीज़ हो गई थी मेरे साथ, जो ये 7 नवंबर के टेस्ट हुए थे, 1-2 टेस्ट, और अभी की रिपोर्टें देखो भाई कुछ ऐसी है। जो बीपी है वो आ रहा है, जो ब्लड प्रेशर है वो आ रहा है 129, आप लोगों को दिख रहा होगा साइड में, 129/75 mm ये देखो, और पल्स इतनी थी 82, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रिपोर्टें बहुत सारी हैं, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। बस चैनल पे बने रहना। और ब्रेन का टेस्ट हुआ था तो इसमें कुछ रिपोर्टें हैं, ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाने लग जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा भाई, इसलिए मैं अभी आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूं भाई, ऐसे नॉर्मली बता दे रहा हूं। जो ये मसल्स थी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही थी, इसके कारण बीपी हाई हो रहा था और हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था इसके कारण। जब मैं 2 नवंबर को एडमिट हुआ था तब मेरा बॉडी वेट था 64 kg, एंड उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज हुआ 7 नवंबर को, तब मैंने अपना बॉडी वेट चेक किया और मेरा बॉडी वेट आया 62 kg, 2 किलो बॉडी वेट इतनी जल्दी गिर गया, एटलीस्ट मेरे को खुद नहीं पता चला कि इतनी जल्दी बॉडी वेट गिर गया मेरा। आप लोगों को भी पता होगा, जो बॉडी कंडीशन पहले थी वैसी बॉडी कंडीशन अभी नहीं है। और बस गाइस मैं आप सभी को वादा करता हूँ, जल्दी अपनी बॉडी कंडीशन वैसी बना लेंगे सेफ जैसे पहले था बॉडी कंडीशन, ठीक है। और जब मैं डिस्चार्ज हुआ था 7 तारीख को, तब मैं छोटी सी एक क्लिप बनाई थी, आप लोगों को दिखा देता हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरी हालत कैसी थी। मैंने ये फ़ोटो थंबनेल में भी लगाया है, आप लोगों ने देखा होगा, जब ये जो साइड में फ़ोटो है ये मैंने थंबनेल पे भी लगाया है कि मेरी हालत कैसी हो गई थी जब मैं एडमिट हुआ था तब। और
और जब मैं डिस्चार्ज हुआ था 7 तारीख को, एक छोटी सी क्लिप बना रखा है, आप लोग देखो गाइस और बताना वीडियो कैसी बनी है। ठीक है दोस्तों, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। भाई मुझे देख रहे होगे, आप लोग हॉस्पिटल में हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे भाई हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैं एडमिट हुआ था दिल्ली के हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल, जो अभी ओपन हुआ है द्वारका सेक्टर 10 में अभी ओपन हुआ है। और आप लोग देख सकते हो भाई पीछे भी दवाइयाँ रखी हुई है, और भाई व्यू चेक करो भाई, यहाँ से पीछे का व्यू कैसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो अब जाके थोड़ा हेडेक ठीक हुआ है मेरा, और कल या परसों तक डिस्चार्ज भी कर देंगे, तो आप लोग उसे मिलेंगे घर में। और ठीक है दोस्तों, बस और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। मैं काफ़ी टाइम ना ही ब्लॉग में पोस्ट कर पा रहा था, ना ही ब्लॉग में शूट कर पा रहा था, और मैं काफ़ी ब्लॉग शूट कर चुका हूँ लेकिन वो एडिटिंग करना अभी बाकी है, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं एडिट कर पा रहा हूँ, ना ही पोस्ट कर पा रहा हूँ। अभी मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 10 से 11 दिन हो गया। एक ब्लॉग मैंने शूट किया था थोड़ा सा, 31 या 1 तारीख को मैं आया था लाइव, तो इसलिए मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो बस गाइस चैनल बने रहना और चैनल करो ज़्यादा जल्द से है। ठीक है दोस्तों, और जब यहाँ से निकलेंगे आप लोगों को आगे का दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? डे टू के ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाई 10 से 15 दिन हो गए मेरे को एडमिट हुए, 10 दिन एक हॉस्पिटल में हो गया था और 5 दिन एक हॉस्पिटल में हो गया, 5 से 6 दिन दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया था, एडमिट हो गया था फिर से, क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, ना मैं ब्लॉग शूट कर पा रहा था, ना ही मैं वीडियो पोस्ट कर पा रहा था, इसके कारण मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो आप लोगों को भी भाई दिखाएंगे अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले भाई मैं कर लेता हूँ ब्रश, और ब्रश करने के बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ खा के, और फिर आप लोगों को दिखाते भाई अपना चैनल। ठीक है, अभी एक वीक रेस्ट करने के बाद फिर अपनी बॉडी भी करेंगे ग्रो, और जिम फिर से करेंगे ज्वाइन। ठीक है दोस्तों, तो अभी बॉडी कंडीशन कुछ ऐसी, ये बताना भाई फेस कैसा है अभी, फेस की कंडीशन कैसी है, और पहले कैसा था जब मैं बल्क पे था भाई, एकदम कटिंग वटिंग सही चल रही थी, तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलो सबसे पहले कर लेते हैं ब्रश, थोड़ा बहुत कुछ खा पी के, और फिर दिखाते हैं अपना चैनल। ठीक है दोस्तों, फाइनल दोस्तों ब्रश तो करते हैं चलो ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं अपना पेज के कितना गिर गया है चैनल और कितना कैसा है कंडीशन, तो आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस चैनल पे बने रहो और चैनल को लेना सब्सक्राइब अगर नए हो तो, और वीडियो करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ठीक है दोस्तों, ब्रेकफास्ट करने से पहले है एक दवा, तो उसको खा लेते हैं और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर से है मेडिसिन ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो आप लोगों को दिखा देते हो भाई मेरी मेडिसिन कितनी है। मैं वैसे दवाइयाँ खाता नहीं हूँ लेकिन इतनी सारी दवाइयाँ अब चल रही है तो दिखा देता हूँ भाई आप लोगों को। देखो भाई इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही है इस टाइम पर, जो कि मैं पहले कभी नहीं खाता था इतनी दवाइयाँ। बस एक दवा हो गई, दो दवा हो गई, पैरासीटामोल हो गया, जैसे फीवर उवर, जैसे फीवर होता था तो एक पैरासीटामोल हो गया, ये दवाइयाँ मैं खा लेता था अब, लेकिन इतनी दवाइयाँ खानी पड़ रही है, बट इसको भी जल्दी जल्दी कम करेंगे। इतनी दवाइयाँ खाना अच्छी बात नहीं है, तो मैं धीरे धीरे करके दवाई छोड़ दूंगा और फिर उसके बाद करूंगा भाई जिम ज्वाइन, और फिर अपनी बॉडी करेंगे और भी ग्रो। ठीक है दोस्तों, तो बस चैनल पर बने रहना और चलो करते हैं ब्रेकफास्ट। अभी मेरी सॉफ्ट डाइट चल रही है और नॉर्मल डाइट जैसी होगी वैसी जिम ज्वाइन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बस देखते हैं अभी ब्रेकफास्ट में क्या बना है और आप सभी लोग दिखाते हैं। जब तक ये ओपन हो रहा है जब तक देखते हैं भाई ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट में आज? ओ भाई बेसन का चिल्ला। पुष्पा राज बोल रही है एक खा के दूसरे की तैयारी में है। तो एक खाए हो एक में थोड़ी ना उसका पेट भरेगा, ये भी उसी को देना है, इसके बाद तू खा लियो। अच्छा इसको पकने में टाइम लगता है ना थोड़ा, अभी रुक जा, तुझे इसमें वो दिखाऊंगी, जैसे दुकान पे नहीं डालते पानी, डालते धुआं धुआं हो जाता आग लग जाती है, वैसे अभी दिखाते तुझे, वैसे तू बना दी हुई तभी तो टेस्टी बन रहा है। अच्छा इसमें मिला है क्या क्या है? इसमें मैंने अभी प्याज मिर्ची टमाटर और लाल मिर्च मसाला हल्दी नमक मैंने बनाना सिखाया थोड़ा सा। हाँ भाई से सीखा था। चलो भाई बन गया ये गाइस, देख लो आप लोगों के घर में किसी को बनवाना हो तो बस एक कॉल कर देना, अपने मेड को भेज दूंगा मैं। ठीक है, ये तो उल्टा हो गया, ऐसे होता है। देख एक चीज दिखाऊं वो भाई अभी तेज धुआं नहीं आया, ऐसे आता है, बना लेती हूँ ना। मेरे खाने को कितनी रेटिंग देगा? इससे अच्छा तो मैं बना लूंगी, 10 में से 7।
इतना भी नहीं है मनीष भैया बोल भारत का नक्शा बना दिया ये। अरे वो तो गोल हो जाएगा ऐसे ऐसे डाल दो। मनीष तो कह रहा है बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत टेस्टी बना है, भारत का मैप बन गया भाई ये देखो। थैंक यू। एक बार फिर से रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। नाम क्या है रेस्टोरेंट का? नाम क्या है? अच्छा दा ढाबा। दो ना। नहीं दीदी ने बोला कि ले लो जाके वहां से। गद्दारी कर बे। गद्दारी भाई मैं इतनी देर से वेटिंग में खड़ा था, पुष्पा राज आई वो लेके चली गई, अब मैं इसके लिए वेटिंग में खड़ा हूँ फिर से ना आए लेके चली जाए। अब की रोकना अर्चना दा ढाबा रोकना ठीक है। पैसे दोगे अगर जैसे उसने 10 रुपए दिए तो 20 देगा तो ये तेरा। गद्दारी कर बे। अगर उसने मुझे 20 दिया तो 30 दे देगा। 2 मिनट लगते है मुझे पलटने में, तेरे साइड आ जाऊंगी पता। पलट तू इसे जैसे मेरा चीला पलटता है ना 2 मिनट में, वैसे मैं पलटू या खालू पलट जाती हूँ। अच्छा, जो ज्यादा पैसे देगा हाँ मैं उसके साथ। जैसे अभी तेरा पलड़ा बोलते है ना भारी है, इससे ज्यादा पैसा इधर पुष्पराज का काम, अगर पुष्पराज ने ज्यादा दिया तो इसका पलट ऐसे तेरा ऐसे, तो ये जाएगा जो ऊपर रहेगा तेरे साइड। भाई इन्होंने भी अपना चैनल बनाया था लेकिन गद्दारी कर पे चैनल के साथ क्या हुआ था? जोर-जोर से चिल्ला के सबको इसकी बता दे क्या हुआ था चैनल के साथ? कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे गोल्डन बटन दे दिया था। अच्छा तो मैं शांत से बैठ गई। वो पैरों पे आ गए, पैरों पे आके बोलने लगे मैडम गोल्डन बटन ले लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत ही नहीं है। अब जब इतना कोई रिक्वेस्ट करता था तो मैंने ले लिया, लेके रख दिया घर में सजा दिया शिव और बस। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर जब गोल्डन बटन मिल गया तो काम क्या करना। भाई डायमंड भी मिल सकता था, डायमंड मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा मुझे गोल्डन बटन चाहिए था। उसकी इयररिंग बनवाया था? नहीं नहीं वो गोल्डन बटन है बस, उसका कुछ बनवा नहीं सकती मैं वो। अच्छा। बस यह है कि यूट्यूब वालों ने दिया घर में सजा दूं, उसका कोई यूज नहीं है। अच्छा तो उसके बाद चैनल कैसे उड़ गया मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। चैनल उन्होंने बोला था मुझे मैडम गोल्डन बटन ले लो उसके बदले में चैनल छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है डन। गोल्डन बटन लेके चैनल छोड़ दिया। चैनल छोड़ा है या यूट्यूब वालों ने स्ट्राइक मारा है? नहीं उन्होंने बोला छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया। भाई देख लो कितने ढीठ है जिसके उस पे काम कर रही हूं मैं चैनल पे। अरे क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म पे, अगर वो इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो छोड़ना तो पड़ेगा ना। अच्छा क्या बोल रहे थे अर्चित दी? आप हट जाओ नहीं क्रैश हो जाएगा YouTube। दी, मालिक मालकिन। अच्छा मालकिन चैनल हटा दो। क्या बोला कि मालकिन हटा दो? हम देख नहीं सक पा रहे इसको, हमारी आंखें ना फूट जा रही है आपका चैनल देख के। अच्छा इसलिए बोला कि क्या बोलते हैं वो हो जाएगा क्रैश हो जाएगा YouTube। क्रैश क्या हो जाएगा उनकी क्या ही बोलूं मैं, आप ज्यादा बोल नहीं सके तो तेरा भी बंद हो जाएगा। ए, भैया अनौती हट मत। भाई दोस्तों जो इन लोगों ने बोला इसको काट देना स्क्रिप्ट ठीक है। दोस्तों आज के ब्रेकफास्ट में है बेसन का चिल्ला और चाय, आप लोग भी आ जाओ भाई खा लो। दोस्तों ब्रेकफास्ट तो हो गया और अब दिखाते भाई अपना चैनल कितना चैनल गिर गया है कैसे और कैसे चैनल की अभी कंडीशन है आप लोगों को दिखाते हैं। भाई मैंने 8-9 दिन से एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया, परसों वीडियो एक पोस्ट किया था बस, और उसके पहले एक भी वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया था, उसकी वजह से मेरा चैनल बहुत ज़्यादा गिर गया है। आप लोग दिखा दे भाई, ये देखो एंड लिस्ट पे गए और ये देखो भाई 5.6K आप देख रहे हो भाई, इधर व्यू कितना व्यू है 28 दिन में। यहाँ वॉच टाइम 200 था और यहाँ 25K और 40K ऐसे ऐसे थे और यहाँ 100-200 सब्सक्राइबर होते थे 28 दिन में। तो यहाँ इतने ऐसे चैनल की कंडीशन ऐसे हो गई है और अभी जो सब्सक्राइबर हैं वो कुछ ऐसे हैं, इतने हो गए हैं भाई अभी सब्सक्राइबर। तो आप लोग भी भाई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो भाई करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ठीक है। दोस्तों भाई जब से मैंने अपना चैनल बनाया है तब से मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर आ गए हैं और कितने व्यू आ गए हैं, सब कुछ कितने वॉच टाइम हो गया है सब कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई ये देखो जो मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ये ब्लॉग आप लोगों के पास पहुँचे 10 या 11 तारीख को आप लोगों के पास पहुँचेगा ठीक है दोस्तों। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि यूट्यूब पर भाई वीडियो बनाकर अपलोड करना काफ़ी मेहनत का काम है भाई। कुछ टाइम से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ बट उसमें थंबनेल में डाल नहीं रहा हूँ, जैसे कि इसमें मैंने थंबनेल डाला था 0-30 डेज यूज क्रिएटिन
एंड इसमें भी थंबनेल नहीं पोस्ट किया है जो आई कैन यूज़ क्रिएटिन बिफोर चेंज माय लाइफ, इसमें भी थंबनेल मैंने यूज़ नहीं किया, लगाया नहीं, और इस वाले में भी नहीं लगाया फाइनली हॉस्पिटल। थंबनेल लगाने का मेरे पास टाइम नहीं होता था इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर देता था, जो ब्लॉग है वो जो पहले के वीडियो थी आप लोग देख सकते हो नीचे जितनी भी वीडियो हैं उसमें सब में मैंने थंबनेल लगाया है प्रॉपर, आप लोग देख सकते हो भाई। तो प्लीज़ जब भी आप लोगों के पास मेरी वीडियो है तो क्लिक किया करो, ठीक है दोस्तों, ताकि एटलीस्ट पता चल सके कि उस वीडियो में क्या है क्या नहीं है। अब मैं ये चीज़ करूँगा, जैसे मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगा वैसे हाथों हाथ थंबनेल भी लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हो तो, और वीडियो करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है दोस्तों, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। फाइनल दोस्तों ये ब्लॉग कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड, तो चैनल पे नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, ठीक है दोस्तों, बाय बाय टाटा।